नूरपुर बेदी प्रखंड के हीरपुर गांव में 100 से अधिक घरेलू और कृषि जल बोरों के फेल होने से पंजाब में उभर रहे जल संकट की भयावह तस्वीर सामने आई है। पेयजल बोर नहीं होने के लिए ग्रामीण इस गांव से मात्र 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराते हैं। हीरपुर गांव के बोर से पानी छोड़े जाने से कृषि संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित किसान दिलबाग सिंह, सिंगारा सिंह, बख्तावर सिंह, सुरेंद्र सिंह समेत अन्य ने कहा कि ये सभी बोर करीब 1 साल से अपने गांव दिन की ओर बढ़ रहे अवैध खनन के कारण खराब पड़े हैं। पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन इस अवैध खनन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि हमने पंजाब में बदलाव की उम्मीद से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अब हमारी कोई नहीं सुन रहा। दिलबाग सिंह ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत डीसी रूपनगर, एसपी रूपनगर व माइनिंग विभाग से की है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिंड हीरपुर दे आनंदपुर साहब की धरती के लागे का पिंड है। ये सिर्फ 7-8 किलोमीटर की दूरी से है। 10 मिनट हो गए आंगन चलाए नूं सामने आ बोर पानी नहीं चक रहा। अज पंजाब की त्रासदी दिखाते हुए हालात जिला रूपनगर के ब्लॉक नूरपुर बेदी पेंदे पिंड हीरपुर के हालात।